अब जिले के बैंकों में बैंक कर्मचारी नहीं दलालों के द्वारा किए जाते हैं काम, ऐसे ग्रामीण बहुत परेशान है। ऐसे हमने हजारी टाइम्स पर कई खबरें दिखाई हैं जिनमें ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में कर्मचारी अंदर जाने नहीं देते हैं और दलालों के द्वारा ही काम कराया जाता है। दलाल बैंक कर्मचारी का जिम्मा लिए हैं और जो उन्हें रुपये देता है उन्हीं के काम कराते हैं। एक तरफ तो हमारा जिला कोरोना वायरस से बहुत प्रभावित है, कोरोना का कहर हमारे जिले में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बाल क्षेत्र की केलवा में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। आप वीडियो और फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है गेट पर और टनल के अंदर किसी भी ग्राहक को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। दलालों के माध्यम से काम होते हैं जिसका मुख्य कारण है कि बैंक के अंदर दलाल रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे 10 दिन के बाद भी अपना आधार कार्ड KYC और पासबुक की एंट्री नहीं करा पाते हैं। जो पैसा देता है दलाल उन्हीं का काम करता है। इस बैंक में बैंक के अंदर कर्मचारी नहीं दलाल रहते हैं। कोई भी कस्टमर बैंक के अंदर पहुंच नहीं पाता है, बैंक के अंदर केवल दलाल ही काम करते हैं। ग्राहकों का काम दलालों के द्वारा ही चैनल से किया जाता है। इस बैंक के अंदर दलाल ही कर्मचारी बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी लाइनें नहीं लगती हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ होना सामान्य सी बात है और ग्रामीण जिस तरह से परेशान है वो तो आप अलग ही वीडियो में देख सकते हैं। बैंक बंद होने के बाद भी दलालों का काम 6 बजे तक होता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आधार KYC एवं बैंक पासबुक की एंट्री के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित किया जाए जिससे बैंक के पास भीड़ कम हो सके। बैंक में काम कर रहे ऐसे कर्मचारी और जो बैंक में दलाल लगे हुए हैं इन लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप वीडियो फोटो में देख सकते हैं स्पष्ट कि उसमें कोई भी कस्बे का नागरिक नहीं होगा वहाँ का, सिर्फ बैंकों में ग्रामीण ही परेशान होते हैं। ग्रामीण किसान बहुत परेशान होते हैं जिनको घर पर भी बहुत काम होता है, वो अपनी किसानी छोड़कर घर के काम छोड़कर बाजार में आते हैं कस्बे में कि अपना काम करा पाएं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। और कस्बे में जो लोग होते हैं वो लाइन में कभी नहीं लगते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो लाइन में लगें। उनकी जान पहचान होती है या फिर उनकी दलालों से सेटिंग होती है तो उनके काम हो जाते हैं, लेकिन परेशान होता है केवल आम नागरिक, किसान और ग्रामीण गाँव की परेशान गाँव के लोग परेशान होते हैं। उनकी इस समस्या का समाधान प्रशासन को जरूर करना चाहिए। चंद्रावली से नेकपाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसका करवा तो नहीं है जनता।